हेलो गाइस, माय नेम इज रोहन और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने कछुए तो देखे होंगे, आपने हो सकता है टर्टल, टॉर्टोइस, ये सब नाम आपने सुना होगा, पर क्या आपने टेरापिन्स नाम सुना है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि टर्टल, टॉर्टोइस और टेरापिन्स में डिफरेंस क्या होता है। वैसे देखा जाए तो टर्टल जो होता है, मतलब जो कछुआ होता है, उनको रहन सहन के ऊपर उनको ऊपर डिफरेंस किया जाता है कि कौन जमीन में रहता है, कौन पानी में रहता है और कौन जमीन और पानी दोनों जगह पर रहता है। तो इसी हिसाब से हम टर्टल, टॉर्टोइस और टेरापिन्स को डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टर्टल, टॉर्टोइस और टेरापिन्स ये होते क्या है। अगर हम बात करें टर्टल की, तो ये वो होते हैं, वो कछुए होते हैं जो लोग हर वक्त पानी में रहते हैं, मतलब जो समुंदर में या फिर बड़े बड़े नदियों में, नदी में नहीं, ज़्यादातर समुंदर में मिलते हैं, वहाँ पर जो कछुए मिलते हैं उनको हम टर्टल बोलते हैं। वो ज़्यादातर टाइम पानी में बिताते हैं या फिर कभी कभार सन बास्किंग के लिए या फिर थोड़े थोड़े टाइम हो सकते हैं अंडे लेकर आने के लिए ब्रीडिंग के बाद, उस टाइम ही वो ज़्यादातर जमीन के ऊपर आते हैं, वरना ये अपनी सारे ज़िंदगी पानी में ही गुजार देते हैं। इनको बोला जाता है टर्टल। और अगर हम बात करें टॉर्टोइस की, तो ये हर वक्त लैंड में ही रहते हैं, ये लोग कभी भी पानी में नहीं रहते। हाँ, पानी पीने के लिए हो सकते हैं पानी में जाए, पर ये लोग पानी में नहीं रहते। ये बहुत ही भारी होते हैं और ये लोग इस तरीके, इनका शरीर का स्ट्रक्चर होता है कि ये लोग किसी भी पत्थरीले जगह पे या फिर चट्टान में किसी भी जगह पर ही ये बहुत ही इजीली चढ़ सकते हैं और जा भी सकते हैं। इनको बोला जाता है टॉर्टोइस। तो एक पानी में रहता है और एक लैंड में रहता है, बस यहीं पर ही सीमित नहीं है, एक और भी है जो पानी और लैंड दोनों के बीच में रहता है, उनको बोला जाता है टेरापिन्स। ये जो टेरापिन्स होते हैं, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये लोग जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। आपने रेडियस स्लाइडर का नाम सुना होगा, टर्टल में ये सबसे कॉमन है। ये जो कछुआ है, इनको हम लोग टर्टल बोलते हैं, रेडियस स्लाइडर टर्टल, पर ये लोग टर्टल नहीं है, ये असल में टेरापिन्स है। ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, पर ये टर्टल नहीं है, ये लोग टेरापिन्स है। ये तीन तरह के जो कछुए हैं, तो हम इनको डिफरेंस कैसे करें? पहले अगर बात करें टर्टल की, तो इनका जो शरीर होता है वो बहुत ही स्प्रेड हुआ होता है, मतलब इनका ऊपर साइड से देखे तो चपटा होता है पर बहुत ही चौड़ा होता है। इससे क्या होता है, जो पानी का जो स्पेसर है वो इक्वली स्प्रेड होता है और उनको स्विमिंग में भी बहुत ही ईजी होता है। और दूसरी बात अगर हम देखें, तो इनके पास नाखून नहीं होता, इनके पास फ्लिपर होता है, क्योंकि ये लोग हर वक्त पानी में ही स्विम करते हैं, इसलिए इनका जो विकसित हुआ है, इनका जो हैंड वो एकदम फ्लिपर का जैसा हो गया है, मतलब फ्लिपर ही हो गया है। पर हाँ, अगर बात करें हम टॉर्टोइस की, तो इनके अगर हम पंजे को देखें, तो उनका जो पिछला पैर होता है वो एकदम चौड़ा और मोटा सा होता है, एकदम हाथी के पैर जैसा, क्योंकि उनको जमीन में उबड़ खाबड़ हर जगह पे उनको चलना होता है, तो इसलिए उनका जो हाथी जैसा जो चौड़ा चौड़ा पैर है वो उनको इस तरीके के फील्ड में चलने में मदद करता है। और उनका अगर सामने के पंजे देखें, तो उनमें बहुत ही बड़े बड़े नाखून होते हैं, ये नाखून उनको जमीन में गड्ढा करने के काम आते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, इनको अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो ये लोग जमीन में गड्ढा करके अंदर चला जाता है या फिर ये अपना घोंसला भी जमीन के अंदर ही बनाते हैं। तो इस कारण इनके जो सामने के पंजे होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं। और अगर हम इनके सेल के स्ट्रक्चर को देखें, तो ये बहुत ही उभरा हुआ होता है, मतलब अगर जो टर्टल होता है उनका एकदम चपटा होता है, पर ऐसा नहीं, इनका बहुत ही उभरा हुआ होता है और ये कार्टिलेज से बना होता है और ये बहुत ही सख्त होता है। और अगर बात करें टर्टल, टॉर्टोइस और टेरापिन्स में, टॉर्टोइस ही एक ऐसा है जिनका इम्यूनिटी पावर भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनको हर कंडीशन में रहने का आदत हुआ है, मतलब गर्मी, सर्दी, बरसात, हर सीजन में ये बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, इसलिए इनका जो इम्यूनिटी लेवल है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब हम अगर जाए टेरापिन्स की, तो मैंने जैसे पहले ही बोला था, ये पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते हैं, इसलिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम चपटा नहीं होता, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और इनके अंदर नेल्स भी होते हैं और इनके पास स्विमिंग करने के लिए इनका जो पैर है वो थोड़ा फ्लिपर जैसा है, मतलब इनका जो सामने वाला या फिर पिछले वाला अगर पैर देखे, तो उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्किन एक दूसरे उंगलियों में चिपकता हुआ रहता है, मतलब जैसे बतख में देखा जाता है, इनके पास भी इस तरह का पंजा होता है। इससे क्या होता है, इनको पानी में तो स्विम करने में आसानी होता है, और दूसरी बात, ये लोग भी अपने लिए गड्ढा खोद सकते हैं या फिर अपने लिए किसी भी शिकार को पकड़ सकते हैं, और ब्रीडिंग के टाइम भी ये नेल्स बहुत ही काम आते हैं। तो ये हो जाता है मेन डिफरेंस टर्टल, टॉर्टोइस और टेरापिन्स के बारे में। बात करें अगर इनकी फूड हैबिट की, तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे देखा जाए तो अगर टर्टल की, तो ये लोग पानी में जब रहते हैं, तो इसलिए ये लोग फिश, क्रैब या फिर पानी में उगले वाले थोड़े पेड़, इस तरह का सब कुछ, मतलब ये ओमनिवोरस होते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं। टेरापिन्स की भी अगर बात करें, तो ये लोग फिश, वेजिटेबल सब कुछ ही खाते हैं। पर अगर हम बात करें टॉर्टोइस की, तो वो फुल्ली वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वो ओनली फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर
जो कैक्टस के लीव्स, मतलब जो भी वेजिटेरियन खाना है वो सब खाते हैं, वो कभी भी कोई भी नॉनवेज नहीं खाते। आप भी अगर कभी कोई टॉर्टोइस पाले तो उनको कभी भी नॉनवेज देने की कोशिश मत करना, क्योंकि नॉनवेज अगर आप उनको देंगे तो वो उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उनमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। लाइफ स्पैन की बात करें अगर, तो इनमें भी बहुत तरीके का डिफरेंस है। आपने बचपन में सुना होगा कि कछुए 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं, पर हर कछुए 100 साल के ऊपर नहीं जीते। जैसे अगर हम बात करें टर्टल की, तो टर्टल के एवरेज लाइफ स्पैन होता है 40 से 50 साल की, थोड़ा ज़्यादा या फिर थोड़ा कम। हर अलग अलग टर्टल का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, पर इनका एवरेज अगर देखें तो 40-50 ईयर्स होता है। और उसी तरफ हम अगर देखें टेरापिन्स की, तो इनका एवरेज लाइफ स्पैन 25-30 ईयर्स तक होता है। पर हाँ, आपने जो बचपन में सुना होगा कि कछुए 100 साल से ऊपर जीते हैं, वो होते हैं टॉर्टोइस। जो टॉर्टोइस होते हैं उनमें भी कुछ स्पीसीज है जो 200 साल से भी ऊपर जी सकते हैं। तो इसलिए जो इनमें जो लाइफ स्पैन का है, इनमें भी बहुत तरह का डिफरेंस है। पर टॉर्टोइस देखा जाए तो इनमें लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा है और इनमें एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोग दूसरे किसी भी जो कछुए के प्रजाति होते हैं उनसे ज़्यादा बेटर होते हैं। सो इस वीडियो के एंड में टर्टल, टॉर्टोइस और टेरापिन्स के बारे में कुछ फैक्ट। दुनिया में सबसे बड़ा जो टर्टल है वो है लेदर बैक टर्टल। इनका वेट होता है 250-700 किलो, और इनका अगर साइज की बात करें तो वो 1.8 से लेकर 2.2 मीटर तक होता है। और बात करें अगर हम दुनिया के सबसे छोटे टर्टल की, तो वो है कैम्स रिडली सी टर्टल। इनका जो लेंथ होता है वो होता है 1.5 से 2 फीट, और इनके अगर वेट की बात करें तो वो होता है 40 से 45 केजी। और हाँ, बात करें अगर टेरापिन्स की, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो टेरापिन्स है वो है यांगसी जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेरापिन्स है। इन टेरापिन्स का लेंथ होता है 2.5 से 3 फुट तक, और इनका वेट होता है 80 से 100 किलो तक। दुनिया का सबसे छोटा टेरापिन्स है स्टिंग पॉट कॉमन मास्ट टर्टल। ये दुनिया का सबसे छोटा टेरापिन्स है। इनका जो हाइट बात करें तो हाइट होता है 2.0 से लेकर 5.5 इंच तक, और इनकी एवरेज वेट की बात करें तो वो है 250 से 300 ग्राम, ये इनका एवरेज वेट होता है। तो जब बात आती है टॉर्टोइस की, तो उनमें जो सबसे छोटा स्पीसीज है वो है चेरसोबिया सिग्नाटस। ये सबसे छोटा स्पीसीज होता है। इनका लेंथ की बात करें तो वो 6 से 8 इंच तक होती है, और इनकी अगर वेट की बात करें एवरेज होता है 95 से 160 ग्राम तक। और दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉर्टोइस है वो है गैलापागोस जायंट टॉर्टोइस। ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्टोइस स्पीसीज है। इनकी अगर हाइट की बात करें तो इनका हाइट होता है 2.5 से 3 फुट तक, और इनकी अगर लेंथ की बात करें तो वो होता है 4.5 से 5 फीट तक, ये इतना बड़ा होता है। और इनका वेट 150 से 250 किलो तक होता है। और इस तरह के जो जायंट टॉर्टोइस होते हैं वही 150 साल से भी ऊपर तक जीते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो टर्टल, टॉर्टोइस और टेरापिन्स के बारे में। तो कैसा लगा प्लीज कमेंट डाउन। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।